बड़ी जानकारी मिल रही है, मोस्ट वांटेड अपराधी काला जठेड़ी की कोर्ट में पेशी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है काला जठेड़ी को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अपराधी को पेश किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त आ रही है दिल्ली पुलिस के। सुनिए आप क्या कुछ कहा जा रहा है। लखनऊ, पटियाला, सहारनपुर, हरिद्वार, ये सारी जगह पर हमारी टीम इसके पीछे पीछे, या बल्कि मैं कहूँ उन टेक्निकल गैस एस्टिमेट्स के पीछे पीछे लगी रही और अंततोगत्वा कल दोपहर बाद इसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। इसके पोजीशन से इसकी एक बहुत ही इसकी पर्सनल फेवरेट पिस्टल है, चाइनीज पिस्टल है, वो रिकवर हुई है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। जो इसके साथ में अनुराधा लेडी डॉन मिली है, उसको ये प्यार से रिवॉल्वर रानी बोलता था, उसके पास से .38 बोर की ऑर्डिनेंस की लाइसेंस रिवॉल्वर, जो किसी और के नाम पे लाइसेंस होगा उसका भी हम पता कर रहे हैं, उसके पास से वो बरामद हुई है। हमने दोनों मुलजिमों को अरेस्ट किया और इनको कानून के हिसाब से कोर्ट में पेश किया गया। दोनों मुलजिम की कस्टडी ली गई है, पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई है और अब इनसे आगे की पूछताछ जारी है। थैंक यू। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते एक एक करके पूछेंगे तो थोड़ा जी। जी, अनुराधा के बारे में हमको ये पता था कि ये संदीप अलियास काला जठेड़ी से जुड़ गई है, बट हाल फिलहाल में ये इसके साथ है या नहीं है, जैसे मैंने बताया कि हम गेस एस्टिमेट्स पे चल रहे थे, कोई भी पॉजिटिव आइडेंटिफायर हमारे पास नहीं था। जब तक ये पकड़े गए हैं, या बल्कि मैं कहूँ कि पकड़े जाने के बाद जब सामान की तलाशी हुई है तो कुछ चीज़ें मिली हैं जिससे हमको ये विश्वास हुआ कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं थी, लेकिन जब तक ये पकड़े गए हैं तब तक हमारे पास ऐसा कोई भी टेक्निकल आइडेंटिफायर नहीं था। जी, हमारी समझ ये कहती है कि इनके गैंग, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा गैंग है और आपको भी पता है कि पिछले साल सवा साल में दिल्ली पुलिस ने स्पेशली स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने इसके गैंग को बिल्कुल लगभग नेस्तनाबूद कर दिया। जितने मेजर क्रिमिनल्स इस गैंग के थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो अब समझ में आ रहा है वो ये है कि इस गैंग की ही एक साजिश थी कि किसी तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट का अटेंशन इसके ऊपर से डाइवर्ट किया जाए और उस साजिश के चलते हुए इन लोगों ने ये कहानी एक तरीके से मार्केट में छोड़ी कि काला जो है इंडिया से बाहर चला गया है। जी हाँ, वो देखिए, वो केस जो है उसका अन्वेषण जो है वो क्राइम ब्रांच कर रही है, हमारे बहुत केपेबल कलीग्स हैं, तो उसके बारे में मेरी ओर से कोई कमेंट देना अनुचित होगा। सर, इसके गैंग में कितने मेंबर हैं फिलहाल और अभी तक कितनी और वारदातों को अंजाम दिया जो सामने नहीं आया? देखिए, दिल्ली में 15 मुकदमों में ये वांछित चल रहा था, दिल्ली से बाहर 4 स्टेट्स में 25 के आसपास केसेज हैं मर्डर, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैब और डकैती के, जिनकी हमें कन्फर्म जानकारी है। तो ये तो हो गया इसकी वारदातों का सिलसिला। इससे पहले ये जब पकड़ा गया था 2012 में, तब इसके ऊपर उस समय 34 मुकदमे थे। 2020 में ये भागा, उसके बाद से अब तक 15 केसेस हैं, 15 रजिस्टर्ड FIRs। गैंग मेंबर्स की जहां तक बात करें तो शूटर्स इस गैंग के पास बहुत सारे हैं। जैसे आपको पता है इसमें लॉरेंस बिश्नोई है जो पंजाब और हरियाणा देखता है, इसमें सूबे गुर्जर है हरियाणा का, आनंद पाल जिसकी अनुराधा के साथ एसोसिएशन था, तो आनंद पाल का भी राजस्थान के एक बड़े एरिया में एक टाइम पे वर्चस्व हुआ करता था। तो ये सारों का जो क्रिमिनल अलायंस है, प्लस इनके पास जो बाहर वो लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं, गोल्डी बरार है, काली राणा है, तो सब मिला करके हम लोग का अपना एस्टिमेशन ये रहा है कि 100 से 150 शूटर्स इनके पास, इस पूरे क्रिमिनल नेटवर्क के पास कभी भी रहते हैं। जी, देखिए 15 तो मुकदमे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं जिनमें ये वांटेड है, जिसमें एक मकोका भी है, और ये मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ। जो अभी तक हमको समझ में आया है वो ये है कि अनुराधा आनंद पाल का जब इनकाउंटर हुआ उसके बाद से ये फरार चल रही थी, और अनुराधा कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई, बिकॉज आनंद पाल और लॉरेंस बिश्नोई दोनों राजस्थान में काफी क्राइम कर चुके हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू और भी काफी लंबी चेन है, एक लंबी चेन है जिसमें जुड़ते जुड़ते अनुराधा काला जठेड़ी के संपर्क में आई। अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, कल दोपहर गिरफ्तार हुए हैं, कल रात में आए हैं और आज हम आपसे बात करें, थोड़ा समय देंगे तो हम इसको और विस्तार से बता सकेंगे।
जी जी इसमें किन किन ऐसे माफियाओं से इनके लिंक है जो, और क्या इनके टारगेट से आगे इनके मतलब खालिस्तान इंजल इसमें आ रहा है कुछ पंजाब में काफी लोग? मैं टारगेट्स के बारे में तो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट ये आपने जो इंटरनेशनल लिंक्स के बारे में पूछा तो पहले भी दो तीन बार प्रेस रिलीज में ये दिया जा चुका है। इसमें एक काली राणा है जो बैंकॉक से हम मान के चलते हैं कि ऑपरेट कर रहा है, एक गोल्डी बरार है जो कनाडा में है वैंकूवर या टोरंटो साइड में, एक नया नाम मोंटी है जो यूके में है। तो ये तीन तो हमको पता है कि उनके साथ इनका एसोसिएशन है, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा अलायंस है, तीन चार स्टेट्स का मामला है। तो इसमें अभी टारगेट्स कौन है कैसे थे उसके बारे में कुछ कहना प्रीमेच्योर होगा, अनुचित। हमारी तफ्तीश में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। उसका मास्टरमाइंड था कुलदीप फज्जा जो फरार हुआ बाद में एनकाउंटर में जिसकी मृत्यु हुई, उसकी उसको फरार कराने में इसका मास्टरमाइंड था। मैंने आपको पिछले 15-20 दिन का खाता दिया, उससे आप पिछले साल भर का खाता खुद जोड़ लीजिए। गाड़ियां बदलते रहते थे, जिस गाड़ी में ये पकड़े गए हैं वो एक ह्युंडई क्रेटा है, बट पिछले 15 दिन में कम से कम 3-4 गाड़ियों का हम ही लोगों ने पीछा किया। अभी मैंने यही बात बताई कि इनके गैंग वालों ने ही ये शगुफा छोड़ा कि काला जठेड़ी भाई इंडिया से बाहर चला गया, बट हमारी अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये इंडिया से बाहर नहीं गए। मोबाइल फोन और सिम कार्ड बदलना एक बहुत, अगर इनके सोफिस्टिकेशन की बात करें तो वो एक बहुत बचकाना सी हरकत, इतना ही कह सकते दैट हैज टू बी असर्टेन। अगर चार स्टेट्स के लीडिंग क्रिमिनल्स आपके साथ हों तो आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट की कमी कभी नहीं रहेगी। थैंक यू प्रेस रिलीज में दे रहा हूँ अभी। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। मोस्ट वांटेड अपराधी काला जठेड़ी की कोर्ट में पेशी हुई है और दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में इसे पेश किया है। इसके बारे में अधिक जानकारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दे रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी की गई इस अपराधी की। दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी की रिमांड मांगी और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 14 दिन की पुलिस हिरासत में कोर्ट ने काला जठेड़ी को भेज दिया है, यानी कि 14 दिन तक अब लगातार पुलिस काला जठेड़ी से पूछताछ करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर कहां कहां पर ये अब तक छिपा हुआ था, कौन कौन लोग इसकी मदद कर रहे थे और क्या कुछ जानकारी मिलती है, ये पुलिस की ओर से आगे भी बताया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोस्ट वांटेड अपराधी काला जठेड़ी, जिसको 14 दिन की रिमांड पर अब भेज दिया गया है, 14 दिन की पुलिस हिरासत में कोर्ट में भेज दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था काला जठेड़ी को, जिसको अब पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। तो फिलहाल यह रुकने एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।